है, मैं हूं आपके साथ चुन्ना यादव। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। देश भर में की तरह उपजिला अरसपुरा में भी मकर संक्रांति का पावन त्यौहार श्रद्धापूर्वक धूमधाम के साथ मनाया गया। रामेश्वर धाम गीता भवन में मकर संक्रांति के पावन मौके पर स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज की अध्यक्षता में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। पहली चीज है हर मकर संक्रांति को हर साल श्री गीता भवन आनंदपुरा में अखंड श्री हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ प्रारंभ होता है। आज श्री गीता भवन में अखंड श्री हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ प्रारंभ हुआ है। राष्ट्रीय स्मृति सिंबल कैंप क्षेत्र में वीरवार को किसानों का दल सिंधु बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को समर्थन देने के लिए रवाना हुआ। इसके अलावा ट्रक से भरी जरूरी वस्तुओं का सामान भी आंदोलन में शामिल लोगों के लिए भेजा गया। इस मौके पर पूर्व सरपंच राजेंद्र सिंह, नत्थू विक्की सिंह आदि ने बताया देश भर के किसान मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। असी जरा किसान अंदोलन चल रहे हैं, लगभग 2-3 महीने पंजाब ही चले, आज उस तो बाद 50 दिन तो लगातार दिल्ली विच पूरे हिंदुस्तान के किसान जड़े अंदोलन से बैठे। साड़ी बस्ती गोबिंद सिंहपुरा तो जी तहसील साड़ी अरसपुरा पैंती है, इन्होंने एक सलाहबाजी की, असं भी थोड़ा बहुत जो इनफुल योगदान पाइए और इतों असी संगत लेके दिल्ली में कूच कर रहे हैं। कैब बिरादरी के अर्धवार्षिक मेले गांव लंगोटिया जी के देवस्थान पर वीरवार को श्रद्धापूर्वक तरीके के साथ मनाए गए। इस दौरान काफी संख्या में बिरादरी के लोग देवस्थान पर पहुंचे और मत्था टेका। कैद बरादरी दाता सेंकरी दे गाँव लंगोटियाँ आसपुरा सारी जी 6 महीने बाद मेल आती है, वो अज मेल जी दाते की जग भंडारे के साथ की जा रही है। बड़ी धूमधाम जी साड़ी कैद बरादरी संगत आ रही हैं और दाते के दर्शन पा रही हैं और अपने स्टाल वगैरह खा रही है और बाकी लंगर खोलने का भी थोड़ा समा रही है, पर अभी लंगर खोलेंगे। सारी कैद बरादरी की तरफ से बहुत बहुत मुबारक और बहुत बहुत जो है कि दादे की कृपा से दादा मेहर करे सारी कैद बरादरी की करनी कला जो रखी। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपने अभी तक जो की खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताजा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।